नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 मावेजो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में हुई थी। असे राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के पहले असे राष्ट्रपति थे। 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत एफडब्ल्यू की कलक ने देश को ख़त्म करने में मदद की। नस्लीय अलगाव की रंगभेदी प्रणाली और बहुसंख्यक शासन में शांतिपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत हुई। मंडेला और डी क्लार्क उनके प्रयासों के लिए 1993 में संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला जोसा भाषी टेबू के मदिबा कबीले के प्रमुख हेनरी मंडेला के पुत्र थे। लोगों अपने पिता की मृत्यु के बाद युवा नेल्सन का पालन पोषण टेम्बू के शासक जोगिटाबा ने किया। नेल्सन ने वकील बनने के लिए सरदार पद का अपना दावा त्याग दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेटवियर कॉलेज, बाद में फोर्ट हरे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और विटोबा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने वकील बनने के लिए योग्यता परीक्षण उत्तीर्ण किया। 1944 में वे इसमें शामिल हुआ। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अश्वेत मुक्ति समूह और इसके यूथ लीग का नेता बना गया। उसी वर्ष उनकी मुलाकात एवलिन एन टोको मस से हुई और उन्हें शादी कर ली। मंडेला के बाद ने अन्य ANC नेतृत्व पदों पर कार्य किया, जिसके माध्यम से उन्होंने संगठन को पुनर्जीवित करने और सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी की रंगभेद नीतियों का विरोध करने में मदद की। 1952 में जोहान्सबर्ग में साथी ANC नेता के साथ ओलिवर टेम्बो मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की पहली ब्लैक लॉ प्रैक्टिस की स्थापना की, जो 1948 के बाद में रंगभेद कानून के संबंधित मामलों में विशेषता कहानी थी। उसी वर्ष की मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पास के कानून के खिलाफ आज्ञा का अभिनय शुरू किया, जिसमें गैर स्रोतों के तहत उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले दस्तावेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ले जाने की आवश्यकता थी, जिसमें सरकार प्रतिनिधि सहयोगी थी। अर्थात आमतौर पर श्वेता जनसंख्या के लिए उन्होंने अभियान के हिस्से के रूप में पूरे देश की यात्रा की और भेदभावपूर्ण विधान के खिलाफ विरोध के अहिंसा के प्रयासों का समर्थन किया। 1955 में वे डप्टिंग से जुड़े थे। इसका मसौदा स्वतंत्रता चार्टर दक्षिण अफ्रीका में गैर नस्लीय सामाजिक लोकतंत्र की सूची बनाने वाला एक अध्ययन था। मंडेला के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं ने उन्हें आधिकारिक की स्थिति बनाया। 1952 में प्रारंभ होकर उन पर रुक रुक कर प्रतिबंध लगा दिया गया। यात्रा संगति और भाषण को गंभीर रूप से प्रतिनिधित्व कर दिया गया। दिसंबर 1956 में उन्हें राजद्रोह के आरोप में 100 से अधिक अन्य लोगों के गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने रंगभेद विरोधी विरुद्ध विचारधारा को परेशान करने के लिए बनाया था। मंडेला पर उसी वर्ष मुकदमा चलाया गया और अंततः 1961 में उन्हें दफना दिया गया। वकील अदालत की कार्य के दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और नोमजमो विनीफ्रार मेडिकलो से शादी कर ली। विनी मदिकर फेलोजो मंडेलो 1960 में सर्पविले पुलिस द्वारा निहाले काले दक्षिण अफ्रीका के नरसहर और उसके ANC पर प्रतिबंध लगाने के बाद मंडेला ने अपना अहिंसात्मक रुख छोड़ दिया और दक्षिण अफ्रीका के शासन के खिलाफ मित्र देश की विचारधारा को ख़त्म करना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से हो गया, जिस दौरान उसे पकड़ने की क्षमता से ब्लैक पिंपल के रूप में जाना गया। वह इसके संस्थापक में से एक था। उमाकोटो बी सीजवे ANC के सैन्य शाखा 1962 में वह गुरिल्ला युद्ध और प्रशिक्षण के लिए अल्जीरिया चले गए। उसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका लौट आए। 5 अगस्त को उनकी वापसी के तुरंत मंडेला को नेटला में एक सड़क नाके पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 1963 में जेल में बंद मंडेला और कई अन्य लोगों पर कुत्ता अत्याचार और हिंसक साजिश का मुकदमा चलाया गया। रिवोनोडिया प्लट्टा जिसा नाम जोहान्सबर्ग का एक सांप्रदायिक उपनगर के नाम पर रखा गया था, जहां इंपैक्ट फायरिंग पुलिस को आमतौर पर उमाकोटो की सीजावे मुख्यालय में बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण मिले थे। कटक धरे से मंडेला का भाषण, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को कुछ दावों की सच्चाई स्वीकार करने की स्वतंत्रता की एक उत्सुकता रक्षा और अत्याचार की आज्ञा दी थी, उनके भाषण ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की और उस वर्ष के अंत में आई एम रेडी टू डाई के रूप में 12 जून 1964 को उन्हें
एलेक चोड़ा आलस की नींद की गवाही में मृत्यु कांड से बाल बाल बचा गया।